अ वेरी गुड मॉर्निंग माई स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल टूडे आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट योर होम डोंट गो आउटसाइड विदाउट एनी वर्क अगर आपको कुछ काम ना हो तो घर से बाहर आपको अभी निकलना नहीं है ओके सो माई नेम इज़ प्रतीक्षा देसाई एंड आई एम अ टीचर ऑफ एल पी सवानी रिवर साइड स्कूल राइट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न आर्ट सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट हम सीखने वाले हैं आज आर्ट ड्राइंग बुक ओके एंड टुडे इज़ अवर टॉपिक इज बेसिक शेप्स स्टार्टिंग में जो शेप्स आते हैं हम वो सीखने वाले हैं आज ओके यू ऑल हैव टू बुक्स ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट राइट ऐसे वाली आपके पास बुक है आर्ट की ओके ये वाली बुक में हमें करना है ए आर टी आर्ट आर्ट बुक में हमें नंबर फोर पे हमें दिया है ये रहा नंबर फोर उस पर हमें दिए है बेसिक शेप्स वो मैं आज आपको करवाऊंगी ओके सो शैल वी स्टार्ट वेरी गुड सो अब फर्स्ट शेप इज रेक्टेंगल विच शेप इज दिस रेक्टेंगल रेक्टेंगल को गुजराती में बोलते हैं लमचौरस राइट right? आप लोगों को गुजराती के नाम तो आते ही होंगे आज मैं आपको इंग्लिश में सिखाऊंगी कि ये शेप्स को कौन से नाम से बुलाते हैं ओके सो फर्स्ट शेप इज रेक्टेंगल और उसको गुजराती में बोलते हैं लमचौरस राइट और नेक्स्ट शेप इज ट्राइंगल विच शेप इज दिस ट्राइंगल ट्रायंगल को गुजराती में बोलते हैं त्रिकोण क्या बोलते हैं इसको त्रिकोण राइट नेक्स्ट इज square. स्क्वायर यानी चौरस गुजराती में क्या बोलते हैं चौरस बोलते हैं उसको ओके okay. which शेप इज this? Square. राइट एंड लास्ट शेप इज सर्कल ये सर्कल है ओके okay. और इसको गुजराती में बोलते हैं गोड़ ओके okay. सो so, आज हमने बेसिक शेप्स में फोर शेप्स सीखे हैं फर्स्ट इज रेक्टेंगल सेकेंड वन इज ट्राइंगल थर्ड वन इज स्क्वायर एंड फोर्थ वन इज सर्कल ओके अब मैं आपको पूछूंगी आपको मुझे जवाब देना है कि कौन से शेप को क्या बोलेंगे ओके सो विच शेप इज दिस वेरी गुड इट्स अ ट्राइंगल विच शेप इज दिस यस इट्स अ रेक्टेंगल राइट नाउ which शेप इज दिस सर्कल ओके एंड लास्ट वन इज which शेप इज दिस Square. ओके okay? अब आपको पता चल गया है कि कौन से शेप्स को क्या बोल रहे हैं ओके इंग्लिश में उसका नाम क्या है वो मैंने आपको सिखाया आपको याद रखना है ठीक है अब हम कुछ इंटरेस्टिंग सा करने वाले हैं क्या करने वाले हैं हम ये सारे शेप्स में कलर करने वाले हैं okay? ओके सो so, हम कलर कैन कौन सा करने वाले हैं यहाँ पे हमें पिंक कलर करना है रेक्टेंगल में हम कौन सा कलर करेंगे पिंक कलर करेंगे राइट मैं थोड़ा सा आपको करके दिखाऊंगी फिर आपको खुद से करना है ओके सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कॉर्नर पे कलर करना है ताकि हम जब कलर करें तो कलर बाहर जाए नहीं ओके ऐसे हमें स्लोली स्लोली कलर करने हैं ऐसे एकदम स्लो से हम कलर करेंगे तो हमारा कलर बाहर जाएगा नहीं ओके लाइक दिस देखो मेरा बाहर कलर गया नहीं ना सो आपको भी ऐसे करना है ओके हमें पहले बॉर्डर में कलर कर देना है ताकि हमारा कलर बाहर नहीं जाए आपकी जो आर्ट की बुक है उसमें कॉर्नर पे कलर दिया हुआ ही है तो आपको सिर्फ अच्छे से कलर करना है ओके आप बुक ओपन करो अपनी आर्ट की आपको पता चलेगा ठीक है हमें ऐसे कलर कर देना है पहले बॉर्डर में ताकि आप जब कलर करें तब गलती से भी आपका कलर बाहर जाए नहीं ओके ऐसे और उसके बाद आप लोगों को अंदर पिंक कलर करना है ओके नाउ नेक्स्ट वन इज़ ट्रायंगल ट्रायंगल में कलर हमें करना है स्काई ब्लू कलर ये वाला ओके स्काई ब्लू कलर करना है ऐसे उसको भी कॉर्नर पे कर देना है पहले आपकी जो आर्ट की बुक है उसमें कलर ये बॉर्डर की हुई है आपको सिर्फ अंदर कलर करना है राइट स्क्वायर में भी हमें ये वाला कलर करना है स्काई ब्लू कलर ओके लाइक दिस कॉर्नर पे कर देना पहले ऐसे ठीक है मैंने सिर्फ हाफ किया है आपको दिखाने के लिए आपको पूरा शेप कलर से भरना है ओके रेक्टेंग रेक्टेंगल में पिंक कलर ट्रायंगल एंड सर्कल में स्काई ब्लू कलर सॉरी ट्रायंगल एंड स्क्वायर में स्काई ब्लू कलर ओके एंड सर्कल में हमें करना है लाइट ग्रीन कलर डार्क ग्रीन नहीं करना है हमें लाइट ग्रीन दिस वन लाइट ग्रीन कलर करना है ठीक है तो उसको भी हम ऐसे कलर पहले कर देंगे कॉर्नर में ठीक है और आपको फिर कलर फिल करना है ठीक है आपको समझ में आया आपकी आर्ट की बुक में कलर दिया हुआ ही है देखो यहाँ पे बॉर्डर की हुई है तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा ओके रेक्टेंगल में पिंक कलर करना है स्क्वायर में एंड ट्रायंगल में स्काई ब्लू कलर करना है एंड ये जो सर्कल है उसमें लाइट ग्रीन कलर करना है ठीक है नाउ अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जब भी हम कलर करें कलर एकदम अच्छे से करना है और हम जब कलर करें देखो मैं एक आपको दिखा रही हूँ जब भी हम कलर करें या तो आप ऐसे कर रहे हो स्लिपिंग लाइन में तो आपको पूरा शेप स्लिपिंग लाइन में ही करना है तब भी आपका कलर और शेप अच्छा दिखेगा राइट और जब भी आप कलर करो यहाँ पे देखिए ऐसी जो वाइट वाइट होती है जगह वो दिखनी नहीं चाहिए राइट आपको कलर अच्छे से करना है एंड डार्क कलर करना है ठीक है तो आपका शेप बहुत अच्छा दिखेगा देखो आपके शेप्स जब आप कलर कर लेंगे फिनिश तो आपके शेप्स ऐसे दिखेंगे ठीक है सो so, अगर आपके शेप आपको अच्छे से देखने हैं तो आप लोगों को एकदम ठीक से धीरे धीरे कलर करना पड़ेगा और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉर्डर के बाहर कलर जाए नहीं तो ही आपके शेप्स एकदम अच्छे दिखेंगे ओके सो so, आज हमने क्या सीखा कौन सी बुक में हमने आज किया आर्ट बुक में और टॉपिक कौन से थे हमारे बेसिक शेप्स मैं फिर से एक बार रिवीजन करवा रही हूँ इज दिस रेक्टेंगल दिस वन ट्रायंगल दिस वन स्क्वायर एंड सर्कल ओके आज हमने फोर शेप्स सीखे आप लोगों को आई होप नाम उसके याद रह जाएंगे ओके okay? ये तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है राइट right? so, आप लोगों को एकदम अच्छे से कलर करना है ओके थैंक यू